दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत हमेशा से ही काफी ज्यादा सक्रिय रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर के देश लगातार महत्वपूर्ण मौकों पर भारत को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाया जा सके। इसी की कड़ी में अब भारत को समर्थन देने के मामले में फ्रांस और ब्रिटेन एक बार फिर से आगे निकल कर आए हैं, जिसके तहत एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत को अपना पूरा समर्थन दिया है। भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और जापान की स्थायी सदस्यता के भी समर्थन में है। साथ ही अपने बयान में आगे बढ़ते हुए फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकन देशों की रिप्रेजेंटेशन का भी समर्थन किया है और ये बात कही है कि वे चाहते हैं कि ज्यादा अफ्रीकन देश अपने प्रतिनिधि इस संगठन में भेजे ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक इफेक्टिव और शक्तिशाली संगठन बनाया जा सके जिसमें हर देश की बात सुनी जाती हो। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का पूरा समर्थन किया है, जो कि काफी बड़ी बात है। इस बात को देखते हुए कि हाल ही में ब्रिटेन की तरफ से ऑयल प्राइस कैप का समर्थन करते हुए काफी बड़े फैसले किए गए थे जिनसे भारत को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जहां एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका की तरफ से कई बार भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन भरे बयान सामने आ चुके हैं, चीन अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा, जिससे हमें ये बात समझ में आती है कि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर चीन के स्थान को खतरा हो सकता है और अगर भारत को वीटो पावर मिल जाती है तो चीन कभी भी भारत के खिलाफ ज्यादा बड़े एक्शन नहीं ले पाएगा और न ही चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से बचा सकेगा, जो कि चीन के लिए काफी बड़ा नुकसान है। इसीलिए स्वाभाविक है कि चीन नहीं चाहेगा कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिले। वहीं पर मौजूदा समय में न कि सिर्फ भारत G20 का प्रेसिडेंट बन चुका है बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रभाव पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों बार बार सभी स्थायी सदस्य देश भारत को अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सभी देशों को ये बात पता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किए गए तो बहुत जल्दी ये संगठन अपना महत्व खो देगा। वहीं तब ना ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बचेगा और ना ही वीटो पावर। इसीलिए समय समय पर फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करके ये दिखाना चाहते हैं कि वे भी संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाने के पक्ष में है और बहुत जल्दी इसे लेकर बड़े बयान उठाए जाएंगे। वहीं इसके अलावा मौजूदा समय में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद काउंटर टेररिज्म पर हो रही यूएनएससी की एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें भारत आतंकवाद से जुड़े मुद्दे को उठाने वाला है। लेकिन ये मीटिंग इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रेसिडेंट है और भारत की अध्यक्षता में हो रही ये मीटिंग इस बात का प्रमाण बनेगी कि कैसे भारत आतंकवाद जैसे मुद्दों से लड़कर विश्व में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाएगा। साथ ही इससे भारत की इमेज भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत एक और भी ज्यादा मजबूत देश के तौर पर उभर कर सामने आएगा, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत हमारे सामने आई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पिछले 2 या 3 महीनों से नहीं बल्कि 2 सालों से कर रहा है, यानी कि साल 2020 में जब भारत और चीन के बीच में गलवान वैली में झड़प हुई थी। रिपोर्ट के हिसाब से चीन अरुणाचल प्रदेश के आसपास एक 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जा करने के फिराक में था, जिसके लिए वह इतने सालों से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। साथ ही चीन ने अपनी तरफ एक एयरबेस का भी निर्माण किया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश के आसपास सैन्य ऑपरेशन के दौरान चीन तुरंत लॉजिस्टिक की सप्लाई कर सके। साथ ही इसी दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपनी तरफ तैनात सैनिकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की है ताकि जरूरत पड़ने पर वह भारतीय सेना पर दबाव बना सके, जिसके तहत उन्होंने अपनी योजना की शुरुआत त्वांग में हुए झड़प से की थी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना को इस बात की जानकारी पहले ही लग चुकी थी कि हम हर तरह से तैयार थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब चीनी सेना इस 17,000 फीट ऊंची चोटी को कब्जाने के लिए अपनी योजना की शुरुआत की थी तब भारतीय सेना के साथ उनकी झड़प हो गई, जिसमें चीन को काफी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर अब हाल ही में हुए इस झड़प के बाद ना कि सिर्फ भारतीय सेना बल्कि भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और अरुणाचल प्रदेश में लगातार विमानों से पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि पूरे इलाके को सुरक्षित रखा जा सके और चीन को किसी भी हरकत का जवाब पहले ही दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, क्या आपको लगता है कि अब हमें चीन के खिलाफ सच में कोई बड़ा और कठोर कदम उठाना पड़ेगा ताकि चीन भविष्य में ऐसी हरकतें ना करे? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।